गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो 14th चैप्टर का ही है। एक्चुअली तो 14th चैप्टर हो गया है, बट ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो पूछते नहीं है बट टेक्स्ट बुक में है, तो मे भी कभी पूछा जा सकता है, इसके लिए हमें करना जरूरी है। तो सबसे पहले वो कंसेप्ट है क्या, जिसे हम कहते हैं लेस देन। लेस देन कहा जाता है या बिलो कहा जाता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये लेस देन है क्या, बिलो है क्या, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ ले रहा हूं। सपोज यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल कॉमन है। सपोज मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनका मैंने 50 मार्क का टेस्ट ले लिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनका मैंने 50 मार्क का टेस्ट ले लिया और टैली मार्क बनाई। टैली मार्क बनाई तो इस तरीके से आया, जैसे कि 0 से 10 में मार्क्स लाने वाले टोटल 6 स्टूडेंट्स है। मतलब 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स है, 10 to 20 के बीच में 4 स्टूडेंट्स है, 20 to 30 में 3 है, फिर 5 स्टूडेंट्स है और 40 से 50 में 7 स्टूडेंट्स है। अब मैं पूरे क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि यही मेन इसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरा उनसे क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 10 मार्क स्टैंड अप। मतलब वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनकी 10 से कम मार्क्स है। तो आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए होंगे, मैंने वर्ड यूज किया 10 से कम मार्क, तो टोटल 6 स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे कि सर हमारी 10 से कम मार्क्स है। अब मैंने यहां पर लिख लिया लेस देन 10, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 6 स्टूडेंट्स हो गए। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, द पर्सन या द स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 20 मार्क्स। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, लेस देन 20 मार्क्स। तो होगा क्या, 20 मार्क्स से कम, मैंने क्वेश्चन किया है 20 मार्क्स से कम। अब होगा क्या, 20 मार्क्स से कम में तो ये 4 स्टूडेंट्स भी है प्लस ये 6 स्टूडेंट्स भी है, टोटल आप देखोगे ये 10 स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट 6 मार्क लेके आया, 8 मार्क लेके आया, वो कहेगा सर मैं भी तो 20 से कम हूं। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 20 मार्क स्टैंड अप, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो यहां मैंने दिखा दिया लेस देन 20, लेस देन 20 में कितने स्टूडेंट दिखा दिए, 10 स्टूडेंट्स। कैसे हुआ, 6 पहले थे, 4 फिर आ गए, टोटल 10 स्टूडेंट्स हो गए। अब मेरा क्वेश्चन जो है लेस देन 30, अब लेस देन 30 जब मैंने कहा, मैंने वर्ड क्या यूज किया, द स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 30 मार्क स्टैंड अप, तो यहां पर टोटल 30 से कम में ये 3 भी है, ये 4 भी है, ये 6 भी है, तो टोटल लेस देन 30 में 13 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सेम वे जब मेरा क्वेश्चन होगा लेस देन 40, तो लेस देन 40 में 18 स्टूडेंट्स होंगे, और जब मैं कहूंगा लेस देन 50 तो पूरा क्लास खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे 25 स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 50 मार्क्स, राइट। तो ये तो क्या हुआ, मैंने एक नॉर्मल सम को लेस देन में कन्वर्ट कर दिया। बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं या आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से कहूं, तो ये लेस देन का सम आपको दिया जाएगा और पहले उसको नॉर्मल सम में कन्वर्ट करना है। आपको ये नॉर्मल सम नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा लेस देन का सम, और इस लेस देन के सम को आपको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल सम में कन्वर्ट करना है। तो सपोज मैंने आपको कहा ये एक सम दिया हुआ है, मान लो मुझे बुक में ऐसा लिखा हुआ है फाइंड मीन, मुझे ऐसा लिख के दिया है इन्होंने फाइंड मीन, या ऐसा कहा है फाइंड मीडियन या फाइंड मोड, जो भी कहा हो। अब उनमें ऐसा लिखा हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, तो मैं क्या करूंगा, सब की शुरुआत कैसे करूंगा। मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो सबसे पहला मेरा स्टेप ये नहीं दिया जाएगा। अब आपको याद रखना, ये आपके पास नहीं होगा, मुझे ये दिया हुआ है और कहा गया है फाइंड मीन, तो पहला कॉलम मैं बनाऊंगा क्लास और दूसरा कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, तो सोचो कितने का गैप चल रहा है, ये 10 10 का गैप चल रहा है, 10 20 30, 10 10 का, तो लेस देन 10 मतलब 10 से कम,
कम 10 कम। तो यहां मैंने पहला क्लास बना लिया 0 to 10, फिर क्लास बन गया 10 to 20, फिर क्लास बन गया 20 to 30, फिर क्लास बन गया 30 to 40, और लास्ट देखोगे लिखा है लेस देन 50, मतलब 50 से कम। तो मेरा जो लास्ट क्लास बनेगा वो होगा 40 to 50। तो क्लास तो बन गए। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है मुझे? फ्रीक्वेंसी में याद रखना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रखो, जैसे मैंने 6 सेम रख दी। अब क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, तो मैं 10 में से 6 माइनस करूंगा ये 4 हो जाएगा, 13 में से 10 माइनस करूंगा ये 3 हो जाएगा, 18 में से 3 माइनस 13 माइनस करूंगा तो ये 5 आ जाएगा, और लास्ट 25 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमारा ये नॉर्मल सम हो गया। अब नॉर्मल सम होने के बाद आपको मीन ढूंढना हो, मीडियन ढूंढना हो, मोड ढूंढना हो, जो भी ढूंढना हो ढूंढ सकते हो। जो आगे के वीडियोस में हमने देख लिया है कि मीन मीडियन मोड कैसे ढूंढा जाता है। आपको इस सम में मुझे क्या सिखाना था कि आपका लेस देन का सम दिया है उसको नॉर्मल में कैसे कर, लेस देन का सम दिया है नॉर्मल में कैसे करे, और एक मैं सम आपको इसी के थ्रू समझा रहा हूं कि किस तरीके से लेस देन दिया उसको नॉर्मल कैसे किया जाए। हम आगे इसी में सीख रहे हैं। ओके अब सेम ऐसा ही लेस देन का मैंने दूसरा सम दिया हुआ है, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको क्या करना है, मीन ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है, मोड ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना, पहले सम को नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल कर कैसे करेंगे, देखो लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, पहले चेक कर लो गैप कितने का चल रहा है, 5 का गैप है, 25, 30, 35, तो पहला ग्रुप कौन सा बनेगा, लेस देन 25, लेस देन 25, 25 से 5 कम कर दो, तो जैसे ही 25 से 5 कम करोगे तो पहला क्लास आपका बनेगा 20 to 25, फिर बनेगा 25 to 30, नेक्स्ट बन जाएगा 30 to 35, इसके बाद आपका बनेगा 35 to 40, फिर आएगा 40 to 45, और लास्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेस देन 50, मतलब 50 से कम, तो लास्ट ग्रुप आपका बन जाएगा 45 to 50। फ्रीक्वेंसी कैसे करने, मैंने आपको लास्ट भी समझाया था, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रख दो 8 आ गया, इसके बाद 13 है, 13 में से 8 माइनस किया 5, 20 में से 13 माइनस किया 7, 30 में से 20 माइनस कर लिया 10, 38 में से 30 माइनस करेंगे 8, और 40 में से 38 माइनस किया 2, ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जैसे ही नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मिल गई, अगर आपको मीन ढूंढना है तो पहला कॉलम मिड वैल्यू का ढूंढ लो। अब मिड वैल्यू ढूंढने के बाद आपको पता है हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन, जो मेथड आपको करना हो कर सकते हो। मतलब अब इस सम का मेन लॉजिक क्या था, लेस देन का ग्रुप दिया उसको आपने नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी इसमें नया कुछ भी नहीं है। मीडियम में भी यूज हो सकता है, मोड में भी हो सकता है, अब जिस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आपने ग्रुप को नॉर्मल बना दिया, उसके बाद मीन मीडियन मोड जो पूछा गया वो आप ढूंढ सकते हो। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो अब तक जितने भी सम हुए, जितने भी वीडियो, एक एक बार फिर से रिपीट करते रहना, आपका रिवीजन हो जाएगा।